आज रैन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट के मौला का चिल्ला एरिया में कॉर्डन सर्च प्रोग्राम मीर चौक पुलिस स्टेशन डिवीजन पुलिस के द्वारा किया गया। इस पूरे प्रोग्राम में 100 से भी अधिक ऑफिसर्स, जवान, सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इस पूरे प्रोसेस में 10 राउडी सीटर्स को चेक किया गया। 100 से अधिक टू व्हीलर्स जिनके पास कागजात सही नहीं पाए गए उनको पकड़ा गया, साथ ही 3 थ्री व्हीलर्स को भी चेक करते हुए उनके पास कागजात सही नहीं पाते हुए उनको पकड़ा गया। कॉर्डन सर्च का हमारा प्रोग्राम हमेशा से पब्लिक के साथ हमारा रिलेशनशिप बढ़िया बनाने का एक मकसद रहा है, एक जरिया रहा है। आप सबों के माध्यम से मैं एक बार फिर पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपके पास आते हैं, आपको ये मैसेज देते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत हो, कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज हो, आपको किसी तरह का रेगुलर कंप्लेन हो, आप हमारे पास आइए। हम आपसे वायदा करते हैं कि आपके हर कंप्लेन पर हम पूरा जांच पड़ताल करेंगे और जो भी उसके हिसाब से सही कार्रवाई होगी की जाएगी। साथ ही साथ हमारे कुछ प्रोग्राम जो सिटी पुलिस के लिए अच्छा है और पब्लिक के लिए भी अच्छा है, जैसे नैनू सहितम प्रोग्राम जिसके तहत हम CCTV कैमराज लगाते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है क्राइम को कंट्रोल करने में, लोगों के अंदर भरोसा बढ़ाने में। आप सबों के माध्यम से मेरा फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में, जैसे यहाँ देखिए रास्ते में आते वक्त गलियाँ बहुत तंग हैं, लेकिन इस पर अगर कैमरा हो तो 24/7 उसमें निगाह रखी जा सकती है। छोटा छोटा इंसिडेंट जैसे व्हीकल थेफ्ट का केसेस है या किसी तरह का पर्स लिफ्टिंग का केस है, काफ़ी उसमें कमी आई है। हम लोगों ने देखा जो भीड़ भरे बाजार हैं उसमें भी इस तरह का केसेस कम हुआ है। इवन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के साथ साथ बॉडीली ऑफेंसेस को भी डिटेक्ट करने में और इमीडिएटली अक्यूज को अप्रिहेंड करने में, उनको कोर्ट में उनकी गलती को प्रूव करने में, सजा दिलाने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसमें आगे से बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको लगाएँ। थैंक यू। बंदोबस्त हो चुका है, बाहर से भी काफ़ी फोर्स लाया गया है, हमारे अपने सिटी के भी पुलिस फोर्स हैं, लेकिन आप सबको मालूम है कि हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब में पुलिस अपना काम करती है और पब्लिक भी पुलिस के साथ मिलकर पीसफुल हर प्रोग्राम, हर रिलीजन का प्रोग्राम हमने देखा कि कई वर्षों से बिना किसी इंसिडेंट का हुआ है। हमारा पूरा भरोसा है कि इस बार भी पिछले साल की तरह पीसफुल और सबके खुशी से, अमनो चैन से ये प्रोग्राम भी ख़त्म होगा। थैंक यू। पुलिस का डिप्लॉयमेंट पूरे सिटी में है, हमारे पास साउथ जोन में भी 4 प्लाटून पुलिस फोर्स, प्लाटून के सेक्शन में AR से पुलिस फोर्स है, उसी तरह से नलगोंडा, नागर कर्नूल और सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास सिविल पुलिस भी आए हैं। कुल मिला के 1000 से अधिक बाहर के पुलिस फोर्स का यहाँ डिप्लॉयमेंट है। गौलीपुर में एक ही जगह तो दुरुस्ती करता है हनुमान जयंती का, सब ये क्या टाइम से क्या टाइम तक खत्म होने का सर? उनके लिए उन्होंने इजाज़त मांगी है, लोकल ACP साहब उनको इजाज़त देंगे, लेकिन जो पुराना पैटर्न रहा है, कोई भी जो रिलीजियस फंक्शन है, हम पिछले पैटर्न के मुताबिक उनको अगले साल का भी इजाज़त देते हैं। थैंक यू।